सो हेलो गाइज, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइज आज मेरे साथ है यशिका। यशु यशु हाय बोलो सबको। हाय। ऐसे हाथ से करो बेटा हाय। हाय। तो गाइज आज यशु मेरे साथ व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही है। यशु के पापा भी मेरे साथ वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे अभी ऊपर। आज से इन्होंने प्रतिज्ञा ली है ऊपर चले वर्कआउट करने के लिए। चलो तो गाइज आज हमने क्या सोचा है ना यार, जब से दो तीन दिन से आए तो वर्कआउट ही नहीं करा। दिल्ली में तो रोज आपको पता है रेगुलर वर्कआउट होता था। तो आज रवि के पुराने जो डंबल हैं और रॉड है भाई आधे, तो ये वहां पे ले गए जहाँ पे जॉब करते हैं, और कुछ एक आधी रॉड पड़ी है उनसे हम थोड़ा बहुत वर्कआउट सोच रहे हैं। कमिंग सून एप्स आएंगे नहीं आएंगे, एप्स की कोई गारंटी नहीं है, फिर फिट होने की गारंटी है। तो गाइज मैंने इनको चैलेंज दे दिया है और ये ऑन कैमरा चैलेंज हो गया। अपना चैलेंज भी तो बताइए। हाँ मेरा, इन्होंने मेरे को ये चैलेंज दिया। मेरा चैलेंज ये जो इनका पेट जो निकला है ना, हाँ ये कितना जल्दी रिकवर कर सकते हैं। टाइम तुम ही बता दो जब तुम चैलेंज दे रहे हो। दिवाली का टाइम है लास्ट। तो गाइज दिवाली तक का टाइम मिला है मुझे, मतलब अपने एप्स लाने के लिए। सेम चैलेंज इनको दिया है कि इन्हें फिट होना, अपनी बॉडी से फैट खत्म करना है, थोड़ा मस्कुलर लुक लाना अपनी बॉडी के अंदर। तो गाइस चलते हैं अभी ऊपर, थोड़ा वर्कआउट वगैरह करके आएंगे। थोड़ी एनर्जी ले लेता हूँ ऊपर जाने से पहले। गर्मियों में हम 2 से 3 बार लस्सी पीते हैं और यहाँ सोनम अपने ड्राई फ्रूट्स खा रही है। किसी से आजकल कोई मतलब नहीं रखती, ना मुझसे बात करती ना आप लोगों से बात करती। ऐसा क्या हो गया मैडम आपको, क्या हुआ ऐसा? आखिर इसको हुआ क्या? कई रात तो कई दुआ दुआ गुटखा खाना तो शुरू नहीं कर दिया तूने? क्या पता गाइस इस वजह से ये मुंह नहीं खोलती हो अपना, क्या पता गुटके वाले इसके लाल दांत दिख जाए लोगों को। ऐसे करके दिखाना, देखो गाइस पूरा नहीं खोल रही ना मुंह, खाने लगी है तो लग रहा है। रात दरबार खाती है, दिलबाग खाती है। गाइस आजकल मैंने व्लॉगिंग करना छोड़ दिया है क्योंकि व्लॉगिंग का भार शक्ति ने अपने ऊपर ले लिया है। मेरे को लेता ही नहीं कोई व्लॉगिंग में, है ना यशु? गाइस ये झूठ बोलती है आजकल, है ना, ये बोलना कम कर दिया है इसने इस वजह से। क्यों लड़ रहे हो? ये आप लोगों की लड़ाई है ना, ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो रही है। नहीं तो क्या हो गया? मैं भी तो कितनी सारी टी शर्ट चेंज करता हूँ अभी, देखा है ना अभी। एक तो मैंने घड़ी बना के अभी रखी है ना, एक को बाथरूम में डाला, एक ये रही, एक वो रही, और अब 5वीं शर्ट खोली, अब दूसरी टी शर्ट चल रही है। अभी थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे अपन ऊपर जाके, क्योंकि मॉर्निंग वाला तो मजा भूल ही गए यार। तो गाइस आजकल तो 8:30 बजे ऐसा मौसम हो जाता है बिल्कुल धूप वाला। तुम लगता है मैं रिकॉर्ड करूंगा, कितने अच्छे लग रहे हो पता तुम। तो गाइज हमारे पास ज्यादा इक्विपमेंट नहीं है यहाँ पे, बस हमारे पास ये रोड है जैसे कि आपको मैंने लास्ट वाली वीडियो के अंदर दिखाया होगा। थोड़ा वार्म अप करो। तो गाइज इनने अपना पुराना स्टॉक देखो ऊपर डाल रखा है, कितने टाइम से फेंक रखे हैं ऊपर? 4 साल 5 साल। तो गाइज ये है बार डिप्स जिससे अपन चेस्ट के लिए डिप्स लगाते हैं, ऊपर बड़े बड़े जंग भी लग गया। ये कौन सा हिसाब किताब है? तो गाइज ये टोटका कर रहे हैं या फिर पता नहीं जिम कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वर्कआउट करते करते भाई के अंदर वटिस्ता की आत्मा आ गई। तो फाइनली गाइस अपना वर्कआउट हो गया खत्म और वर्कआउट बहुत अच्छा रहा। बाइसेप्स में काफी दिन बाद में थोड़ी बहुत पंपिंग देखने को मिली है। भाभी क्या बना रहे हो आज आप? आपने तो देखो वर्कआउट करा मैं और आप पकौड़ी बना रहे हो, आप बॉडी बनने नहीं दोगे अगर। तो गाइस ये हम ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं, सारे फ्रूट्स आपने धोए क्या? तो गाइस हमारे घर के अंदर बनी है दाल वाली पकौड़ी और इसे खा रहे हैं छाछ के साथ में, और गाइस सीरियसली बहुत टेस्टी लगती है। और गाइज मैं जिम करके आया था तो मैं तो अपनी थोड़ी मील भी ले रहा हूँ और ये भी खा रहा हूँ। और ये बंदा ऐसा है तो अपना फिनिश कर चुका है और फिर मेरा खा रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? अपना खा लिया ना, मुझे बहुत सारा खाना पड़ता है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, यशु के दादू और दादी यशु के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। यशु क्या लेकर आए बेटा आपके लिए? अरे वाह यशु की तो डॉल बहुत सुंदर है। आपका हाउस जिसमें छुप जाना। यशु के बहुत मजे हो गए, यशु के लिए रिमोट वाली कार आ गई। यशु का घर आ गया छोटा सा, इसके लिए बहुत दिन से डिमांड कर रही थी। गाइस आज की वीडियो में देखा आपने यशु के लिए इतने सारे गिफ्ट। तो गाइस इन सब छोटे छोटे खर्चों को मैनेज करने में कुछ सब विनोम से मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि विनोम है मेरा ऑनलाइन ट्रेडिंग पार्टनर। गाइज मेरे रियल अकाउंट में 29,000 रुपए डिपॉजिट पे क्लिक करके डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको एसेट्स को सिलेक्ट करना है जो कि मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे क्लिक करके आप अलग अलग ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं माउंटेन लाइन के टनल बाहर। गाइज आपको यहाँ पे इस ग्राफ को देखकर प्रेडिक्ट करना होता है, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा नीचे की तरफ आएगा। गाइज मुझे ऐसा लगता है ग्राफ नीचे की तरफ आएगा और मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा 7,000 रुपीज डाउन पे और ट्रेड कंप्लीट होने का वेट करूंगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने अंकल 12,000 रुपए और मेरे रियल अकाउंट में हो चुके 34,000 रुपए। एंड गाइस अगर आपको ट्रेड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है इनका सपोर्ट का फंक्शन है, यहाँ पे चैट सेल सेंटर कॉन्टैक्ट एंड क्लाइंट एग्रीमेंट मिल जाता है, इनकी कस्टमर सर्विस 24/7 अवेलेबल है। तो गाइस अगर आप भी मेरे ट्रेड करके अर्न करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर आप मेरे लिंक से बिना एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको डेमो अकाउंट में $1,000 मिल जाएंगे जहां से आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं, और एक बार अगर आप ट्रेडिंग करना सीख जाते हैं तो उसके बाद आप अपनी रियल मनी को इन्वेस्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस वर्कआउट करने के बाद में हमने कुछ ज्यादा हेल्दी खाया नहीं था, तो अभी हमने क्या सोचा है कि ऑमलेट बना लेते हैं। जयपुर के अंदर मौसम ऑसम हो गया। तो गाइस बिल्कुल तेज तेज हवा चल रही है और बारिश की बौछारें यहाँ तक आ रही है, और मौसम कह सकते हैं मेरी लैंग्वेज में ऑसम हो रहा है। देख रहे हो कितनी तेज हवा चल रही है।
कहाँ बिठा रहे हो? अब यशु है ना, इसका एक्सीडेंट करवाना चाहती है इस गुड़िया का। ये पक्का कर दो इसका एक्सीडेंट। चलो गुड़िया, मैं ये बोल दिए। क्या बोल रही है? में। अब गाइस आज हमारे घर में बनी अरबी की सब्जी। इस सीजन में मैंगो खाने का मजा ही अलग है खाने के साथ में। क्यों चीकू? हाँ चीकू यार, बोल लिया करना यार। तो गुटका उटका खाता वो एक अलग बात है, लेकिन बोल लिया कर यार, क्या हो गया? यशु के लिए मम्मी ये घर लेके आई है जिसमें सारे सामान, और ये रही इसकी डॉल। तो गाइस ये गुड़िया को ऊपर से नीचे गिराती है ऐसे करके। और भाई साहब, अभी पहले बुढ़िया का एक्सीडेंट कर रही थी, अब ये बुढ़िया को ऊपर से नीचे गिरा रही है। ये बच्ची अच्छी नहीं है। कह रही मैं दोनों को गिराऊंगी। डॉल कितनी सुंदर है यशु, इसको प्यार कर लो। लेकिन मैं आपको बता दूं, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और हुई है बारिश। आज जैसे कि मंडे है, मंडे को तो भाई जयपुर के अंदर सब कुछ खुलता है, इसलिए हम सोच रहे हैं कल हमारा सामान रह गया था, आज हम ले आए उसको। तो गाइज आप सामने देख सकते हैं पहाड़, देखो कितने हरे भरे हो रहे हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ भाई। जयपुर के पहाड़ों के अंदर हरी भरी घास, पेड़ पौधे सब बिल्कुल खिलखिला रहे हैं, हरे हो गए हैं वापस से। तो गाइज मैं बता दूं, मंडे से लेकर फ्राइडे जयपुर में ठेके खुले हैं, आप आराम से पी सकते हैं। गाइज यहाँ पे यशु और मैं घर घर खेल रहे हैं। आज जब से इसका ये घर आया ना, सुबह से खेलने में लगी है। गाइज अभी इसकी लस्सी बहुत फेवरेट है, और इसका और मेरा कंपटीशन लगा है कि कौन पहले खत्म करेगा। आप पहले खत्म करोगे, मैं पहले खत्म करूंगा। तो गाइज देख लो, इतनी कॉन्फिडेंट है कि मतलब इसको पता है कि मुझसे पहले खत्म कर देगी। करो मेरे से पहले खत्म। जैसे मैं जीतने वाला हूँ, जल्दी खत्म करो। आपने तो मेरे से ज्यादा खत्म कर दी। बुआ के लिए देखो जामुन लेकर आ गए, खाओगे आप, देखो कितने अच्छे। आइडिया गुड़िया को मार क्यों रहे हो यशु? आप इसकी पिटाई करो, इसको सुसाइड करवा दो, ऊपर से नीचे गिरा दो इसको। हाँ गाइस, गुड़िया मान नहीं रही थी तो यशु ने ऊपर से गिरा दिया। गुड़िया मान गई? गुस्सा हो मुझसे? सॉरी सॉरी, अब नहीं डांटूंगा। दुकान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ। दोस्ती हो गई हमारी दोबारा से। गाइस मैंने इसको सॉरी बोला तब जाके मानी है, अभी मैंने इसको डांट दिया था ऐसी मजाक में, गुस्सा हो गई थी यशु। तो गाइस यहाँ पे मेरा और यशु का मैच हो रहा है। पहले एक बार आप एक्सीडेंट करोगे, एक बार मैं करूंगा, ठीक है? और दूर रखो इसको ले जाके, ठीक है? मैं सोच रहा हूँ ना, देखा सुबह से तू मुझे तो कंज्यूम कर ही रही है ना, मैं क्या सोच रहा हूँ एक वीडियो का टॉपिक बना दो, गुटका खाने वाली बहू। खाने वाली बहू बोलती नहीं है ना तू? बोल, माय नेम इज सोनम। सोनम, आई लिव इन जयपुर। आई लिव इन जयपुर। आई लव गुटका। गुटका अरे खाती है, चुप चुप के आपको पता नहीं है? तो इसको पकड़ना रात को अकेले में, झटका लगाती है। मतलब मैं आप बोलती नहीं तो तुम मेरे को ऐसे बोलो? तो ऐसे ही बोलूंगा, तेरी बेइज्जती करनी पड़ेगी ना, जब तो बोलेगी। चना चन चना चन चना चन चना। मम्मी क्या कर रही है देखो, मम्मी मम्मी काम कर ली है, करती नहीं है, कर ली है। आपकी मम्मी तो वैसे भी इंग्लैंड से है ना? इंग्लैंड से है। चलो है ना भाभी, है ना, आज हम ये क्लियर कर ही देंगे, है ना, कि आपको हम इंग्लैंड वाली भाभी क्यों बोलते हैं। आज आप खुद ही करोगे ये बात क्लियर। सारे लोग भाई कमेंट में ये पूछ रहे थे कि सच में भाभी इंग्लैंड से आई है? मम्मी कहाँ से आई? इंग्लैंड से आई है ना? आया ना चाइना से पापा? सच बोलते हैं ना आप? गाइस हाथ नीचे करो, मेरे ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैंने भाभी को बोला था नींबू पानी बनाने के लिए। ये रेसिपी भी इन्होंने यहाँ से नहीं सीखी, गाइस बाहर से सीख कर आई है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको दिन में बताया था कि भाई अभी आज जयपुर के अंदर बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, और सोनम, मैं और रवि तीनों ही ऊपर आके थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं भाई छत पे, क्योंकि अभी बारिश वाला मौसम हो गया दोबारा से। क्या कह रहे हो यशु, क्या कह रहे हो बेटा? गेट को ले आओ। कहाँ से ले आओ? चिंचिन चिंचे हंछू हिंचू छा ये हमारी लैंग्वेज में हम दोनों बात कर रहे हैं गाइज, ये लोग हमें बैठ के देख रहे हैं, ये सिर्फ यशु और मेरी लैंग्वेज है ना। गाइज अभी भाभी सोनम के लिए बना के लाई है क्या सैंडविच, अकेले अकेले खा रही है, पूछ तो ले। आज हम राज रिवील करने जा रहे हैं आप लोगों के सामने बहुत बड़ा, कि भाभी कहाँ से आई है, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये सच में इंग्लैंड से आई है या इंडिया से। आज ये हमारी लाइव बुलेटिन के अंदर खुद ही जवाब देने वाली है। मुझे तो पता नहीं है, इंग्लैंड से आई हूँ या राजस्थान से आई हूँ या इंडिया से आई। मैं एक राज बताना चाहती हूँ, बहुत दिन से लोगों के मन में उमड़ उमड़ के आ रहा है। बहुत लोग कमेंट कर करके बोल रहे थे कि भाई सच में भाभी का इंग्लैंड से है क्या? तो गाइस मैं सच में इंग्लैंड से नहीं हूँ। मुझे तो लगा ऐसे बोलोगी मैं सच में इंग्लैंड से ही हूँ। एक बात क्लियर करना चाहते हूँ, बहुत लोग पूछ रहे थे कि सच में क्या भाभी इंग्लैंड से है, ये मैं इंग्लैंड से नहीं हूँ, ये तो अफवाह उड़ाई गई है।
अफवाह फैलाई गई है, लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया सच में बताओ कि भाभी सच में इंग्लैंड से है क्या, तो आपको वैसे लगता नहीं है? सो गाइस ये मजाक की बात है, हम लास्ट टाइम जू गए थे इस वजह से वहीं पे इन्होंने इन्वेंट कर लिया भाई भाभी इंग्लैंड से आई इंग्लैंड से आई है, वहीं पे तब से इनका नाम इंग्लैंड वाली भाभी पड़ गया। फिर रंग था तो भाई हमने ऐसी नाम निकाल दिया भाभी का, मैंने कहा चलो इंग्लैंड वाली भाभी। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, इंग्लैंड से नहीं है, इंडिया से ही है, करौली से है, राजस्थान से है। गाइस आज सैंडविच मम्मी ने बनाए थे मेरी डिमांड पे, मेरे को मन हो रहा था सैंडविच वैंडविच खाने बहुत टाइम से, वैसे ही मैं बहुत टाइम से तीखा ही खा रही हूँ, मीठा तो बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ, तो आप अनुमान लगा लेना क्या है क्या नहीं है। क्या अनुमान लगा लेना, ये सब मिथ होते हैं, कुछ नहीं होता मीठा खट्टा कुछ नहीं होता, पता लग गया तो भाभी ऐसा कुछ नहीं होता ना मीठा तीखा खाने से कि लड़का या लड़की ऐसा कुछ नहीं होता ना, बोल दो होता। अपने अपनी प्रेगनेंसी में क्या खाया था, मीठा खाया था तीखा खाया था? मीठा तो नहीं खाया था। लड़की चाहिए हमें तो बोला करो। ओ माई आईज वॉचिंग यू, बाय कर दो सबको, बाय बाय। तो आई होप गाइस आज की वीडियो से आपके सारे मिथ्स क्लियर हो गए होंगे। तो ये था छोटा सा वीडियो, और जैसा कि पता है कि भाई अभी हम फैमिली व्लॉग्स ही बना रहे हैं, और अभी जयपुर के अंदर ही हैं, और अभी आपको फैमिली व्लॉग्स ही देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको पता भाई कोरोना है तो घर से बाहर तो जा ही नहीं सकते, तो जाते जाते आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना रॉयल शक्ति फिटनेस के नाम से, सोनम चीको के नाम से, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।